हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कलर ग्रेडिएंट बनाना। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पीएस टच, पिक्स आर्ट और पिक्सल। तो हमें पीएस टच खोलना है, इजी है, बच्चा बच्चा सीख जाएगा अगर मैं जैसे सिखा रहा हूँ, बहुत इजी। तो पीएस टच खोलना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर दो, मैं प्रीफर करूँगा 1000 दोनों। तो ये हो गया 1000। तो अभी इसमें एक फ़ोटो लेयर ऐड करनी है। मैं जो भी फ़ोटो यूज़ करूँगा इसका PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। फिर यूज़ किया, इसको सेट कर दो इसके हिसाब से, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर लो। इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेनी है, एम्प्टी लेयर में जाके इसमें फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन है वो दबाना है। उसमें कोई भी आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं थोड़ा ग्रे से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो भी ये इसके नीचे, तो इसको मैं थोड़ी ओपेसिटी अपने हिसाब से कम कर दो, स्क्रीन एक जो अच्छा लगे आप कर लो, जिसमें अच्छा दिख रहा हो, अच्छा टेक्स्चर आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ओले का टेक्स्चर एकदम पीछा दिख रहा है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप जिस भी चीज़ का मतलब किसी का फोटो हो, तो वो तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह गन का कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो तो ईजी मतलब ये तो कटिंग का पिक्सा कर सकते हो, कटआउट वीडियो ना देखा हो तो देख लो, पुराना है मेरा। तो ये एकदम बड़ा कर दो, एकदम पीसा सेट कर दो इसको, ठीक है। सेट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद है ना एकदम ईजी है, इसमें जाना, इसमें ब्लैक एंड वाइट कर देना। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद एफेक्ट्स में जाके मल्टी ग्रेडिएंट मैप, ये ना इसमें ना ये दोनों ब्लैक और वाइट दोनों ज़ीरो कर देना, और गामा -100 ही रखना, कभी भी चेंज मत करना गामा। तो अभी अपने हिसाब से दोनों कलर का ऐसा करके देख लो किस में अच्छा दिख रहा है किस में नहीं दिख रहा। तो मैं दोनों देख रहा हूँ और अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर दो। आई थिंक लाइट ब्लू ऐसा दिख रहा है, तो मैं लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। लाइट ब्लू कलर यूज़ कर दिया तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ। तो इसमें थोड़ा इस जाके एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा ब्राइटनेस और ये बढ़ा देते हैं, ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, ठीक है। फिर एक और मैं जैसे मिला के ये हो गया। अब इधर इतना तो रेडी हो गया एकदम ऊपर वाला। अब एक इसमें ना एम्प्टी लेयर लेनी है, एफेक्ट्स में जाना है, इसमें हाफ टोन पैटर्न लेना है, ठीक है। इसमें ये वाले ब्लैक वाले स्ट्रोक को पूरा राइट हटा देना है। फिर देखो अब दिख रहा है, ये दिख रहा है वो, हाँ अपने हिसाब से तो मैं एकदम कम सा करो, इसके नीचे ले लो, पीछे बैकग्राउंड दिखना चाहिए। तो ये एकदम ओपी सा लग रहा है। तो अभी ये हो गया ना, तो इतना पार्ट से पहले सेव कर लो। अब इसमें जाने के बाद अभी अपने को क्या करना है, पिक्सल लैब टेक्स्ट के लिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो, इसमें बहुत सारे टेक्स्ट है, तो इतना ही लिख रहा हूँ मैं, अरे इतना ही लिख रहा हूँ। फिर स्टाइल्स में जाने के बाद सैम्पल, अगर आपको कुछ रिक्वायरी वरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे ही है, आप इधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेक दिस ऑन एंड्रॉयड भी लिख देता हूँ नीचे से एंड्रॉयड, ये हो गया। ये फ़ॉन्ट बनाने के बाद मैं बिग फिश वाला यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है, थोड़ा छोटा करके। तो भाई ये क्या हो रहा है, अरे भाई ओ भाई स्कैम, रुक जाओ फिर से कर लेता हूँ। मेक दिस ऑन एंड्रॉयड, सो थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, आपको समझेगा एकदम इजी तरीके से बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाना भाई, समझ के कोई भाव नहीं खाता मैं बिंदास, ठीक है। तो ये हो गया मेक दिस ऑन एंड्रॉयड, ऐसा करने के बाद इसको कर देना आप ट्रांसलेट में जाके सेव। सेव इमेज करने के बाद एक फालतू सी एड आएगी, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, स्किप हो जाएगा ये सब फालतू गिरी। तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं टेक्स्ट अच्छा करने के लिए एक और बार एक दूसरा सा फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो उससे और अच्छा दिखेगा ये। तो मेक दिस ऑन एंड्रॉयड ये लिख दिया मैंने, इसको भी सेव कर दो, एक बार सेव हो गया निकल जाओ। फिर से पीएस टच खोलो, पीएस टच मिला के अपना खोलो जो है ग्रेडिएंट वाला, इसको एक बार आप देख लो कुछ अच्छा दिख रहा हो, लीनियर डॉट या फिर स्क्रीन मल्टीप्लाई ओवरले डिफरेंस एकदम रेड हो जाएगा वो, आपके ऊपर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ईजी है एकदम। अगर आपको इसको एक और बार थोड़ा हल्का सा टेक्स्ट दिया ना हो अच्छा वाला, मतलब अच्छा और अच्छा दिखे, तो इसको फिर से एक बार ब्लैक एंड वाइट करने के बाद थोड़ा मल्टी रेड फिर से चले जाइए। तो ये ना इसका भी कलर आप थोड़ा चेंज कर दो, इसका थोड़ा डार्किश वाला कलर ले लो, तो इसमें हल्का सा डिफरेंस आएगा। फिर इससे नहीं, तो डार्क वाले ले लो,
देखो दिख रहा है ये हल्का सा डिफरेंस, ये डिफरेंस आएगा हल्का सा। अगर आपको चाहिए तो चलो ग्रेडियंट का पूरे मत कर देना, थोड़ा ही रखना। तो ये दिख रहा है ओपी वाला, ये हो गया। अभी अपने को क्या करना है, ये ऊपर रखो लाइट वाला, भी ऊपर रखना फोटो लेयर में रखे, जो मैंने टेक्स्ट बनाया है पिक्सल लैब में वो करना है। मैंने बोला था मैंने दो किए, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं एक दिशा एंड्रॉइड वाला इधर रखा है मैंने, थोड़ा बड़ा किया इसको और इसकी साइज़ सबसे एडजस्ट कर दी, ठीक है। तो ये हो गया मेक दिस ऑन एंड्रॉइड। अब ये होने के बाद है ना, इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर देना, डुप्लीकेट लेयर कर इसको तो ट्रांसफॉर्म करके इसको नीचे ला देना, सेव नहीं करना। ये इतना करो, फिर इसका भी डुप्लीकेट लेयर बनाओ, इजी है। फिर एफएक्स में जाओ, ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करना जो भी चाहे आपने डुप्लीकेट किया, फिर एक्रेलिक पेंट या फिर अपने हिसाब से श्रेड भी अच्छा एक ऑप्शन है, या फिर कलर ड्रॉप्स भी ले सकते हो। कलर ड्रॉप्स लिया ना, तो भी इसका ना नीचे वाली लेयर में जाके सिलेक्ट पिक्सल्स करो, ऊपर वाली लेयर में जाओ, फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दो जिससे टेक्स्ट दिखे, मतलब लिखा है मेक दिस ऑन एंड्रॉइड, ठीक है। अब डिसलेक्ट कर दो पिक्सल्स और अब इसको कर दो मर्ज डाउन नीचे वाली लेयर के साथ। अब इसको करो ट्रांसफॉर्म, ईजी है, तुम्हारा भाई सिखाता है तो कभी हार्ड नहीं होता भाई, ईजी। इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो टेक्स्ट के साथ, हो जाना भाई एडजस्ट, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या कोई? ये मेरे को लगे कि हो गया, तो इसको कर दो ओके। अब इसमें जाने के बाद एफेक्ट्स में जाके हमने जो इतनी मेहनत से क्या बोलते हैं मल्टी ग्रेडियंट किया था वो कर लो। चलो लाइट देना है, डार्क देना है आपके ऊपर, मैं देख रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा। यार अच्छा दिख रहा है तो मैं ये प्रीफर किया। ये होने के बाद इस पर जाओ और थोड़ा इसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो या कुछ देखो, कुछ अगर अच्छा था दिखने में आए तो, नहीं दिख रहा तो रहने दो। फिर इसमें जाके एफेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो बहुत नेसेसरी, ड्रॉप शेडो तो देना ही, सभी ड्रॉप शेडो मत छोड़ियो, ड्रॉप शेडो अपने हिसाब से एडजस्ट करके ड्रॉप शेडो दे दो, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप शेडो, इसको बोलते हैं 3D टाइप सा लगेगा। फिर ना मैंने एक और टेक्स्ट बनाया था, मैं बोला था कि ऐसे मैंने एक और टेक्स्ट बनाया, इसको मैं एक दिशा एंड्रॉइड को रख दो, इसको ना पूरा बड़ा सा कर दो एकदम ही, ठीक है, एकदम बड़ा वाला कर दो इसको, इसको सबके नीचे रखो, हाँ इसके नीचे रखो। इसमें ना एक एम्प्टी लेयर लेना, इसमें जाओ, फिर इसका कर लो, इसका कर लो सिलेक्ट पिक्सल्स, इसमें जाओ एंड में जाके फिल एंड स्ट्रोक का इधर ऑप्शन है ना, उसमें जाके आप स्ट्रोक दबाओ, इसकी साइज़ 1 रखना, तो मैं ये वाला प्रीफर करूँ, तो इसकी साइज़ 1 रखिए, इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद ओपन करेंगे इसका जरा, इसको रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, अपने हिसाब से थोड़ा सा ये ओवरले कर देते, इसको हटा दिया। तो अब है ना इसको जाके ना इसको ग्लो दे दो, ग्लो में जाके इसको कलर वही गलत किया, ब्लैक कर दो, कलर इसमें ही ग्लो दो, इसमें ही ग्लो दो, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम करके ग्लो, फिर इसको इसका ग्लो देना ना, तो इसको क्या अलग कलर देना ग्लो, तो ये बाहर का ग्लो दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया ग्लो, ग्लो कर दिया है पूरा, इसको कर दो लीनियर डॉच, सॉरी इसको कर दो लीनियर डॉच, तुम्हारे भाई से जल्दी देखो एकदम ओपी वाला लुक लग रहा है। तो अगर आपको इसमें ब्राइटनेस कुछ शेडो उधर हाइलाइट्स बढ़ाना हो तो इधर इधर आके इजीली बढ़ा सकते हो, थोड़ा कम वम करना हो तो जितना बाहर आ रहा है उसको थोड़ा कम कर लो, अब ईजिली बढ़ जाएगा। एक दिस ऑन एंड्रॉइड और ये सब लिख दिया है, फिर और कुछ हाँ, एक स्टेप लास्ट स्टेप बाकी है कि एम्प्टी लेयर बनाना एक एंड में जाके ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो जाने के बाद इसमें जाओ, तो बीच वाले पार्ट पे ना थोड़ा वो कर दो, मतलब साइड का पार्ट थोड़ा हटा हटा दो, बीच वाला पार्ट एकदम ओपी सब बीच में रखना चाहिए। देखो ये दिख रहा है ना, अभी अगर थोड़ा और आपको बढ़ाना हो या कुछ करना हो तो एम्प्टी लेयर बनाओ, ड्रॉ में जाओ, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना इधर से, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, तो उसको ना थोड़ा ऐसा 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 अपने हिसाब से थोड़ा टेक्सचर मतलब कलर फिल कर दो, फिल जैसे कर दो कुछ। फिर अभी एफेक्ट्स में जाके गोजी ब्लर, इससे ना थोड़ा और डार्क स्टेप आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 100 इसको कर दो सेव। तो भी इसको करना सेव टू गैलरी, वो सब तो ठीक है,
ये हो गया सेव। तो वो सेव होने के बाद लाइट रूम खोलो, ठीक है। लाइट रूम में उसको इजीली एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के बाद इजीली तो प्रीसेट का ऑप्शन होगा, प्रीसेट खोलो। तो आप अपने हिसाब से कलर कुछ मतलब देख लो, कोई अच्छा सा टेक्सचर सा कुछ दिख रहा है तो ये सब फ्री वेदर अवेलेबल है। तो जो भी ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बहुत बहुत ईजिली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो मेरे को एक हाई कॉन्ट्रास्ट वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको सेव कर दूंगा गैलरी में, सेव टू डिवाइस। तो ये होने के बाद अगर आपको इधर भी कुछ इतना खास मतलब इधर कुछ इतना अच्छा अच्छा लग नहीं रहा ना, तो एकदम ईजी पिक्सआर्ट खोल दो। पिक्सआर्ट में बहुत से ऑप्शन है, बहुत वेराइटीज़ है। पिक्सआर्ट में जाने का जो आपने बनाया था उसको सिलेक्ट करना, लाइट रूम वाला मत करना। तो उसमें एफएक्स से जाके इधर भी एक और एफएक्स का ऑप्शन होगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। मतलब इधर HDR भी है, बहुत से ऑप्शन है। तो दो ये ऐप है जिससे आप अपना अच्छा सा एकदम OP वाला बना सकते हो कलर ग्रेडिएंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो भाई बिंदास तुम्हारे भाई बैठा है। इंस्टा पे मैसेज हर एक जन को रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसको करता नहीं मैं। और अगर आपका वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा का लिंक भी है नीचे, तो उधर भी जाके फॉलो कर दो। तो मेरे को ये अच्छा लगा, इसको सेव कर दो ईजी, और ये हो गया एकदम OP। तो वो OP वाले हो जाएंगे। और थैंक यू, अगर आए हो लाइक ठोक दो। अगर आप अब तक हो इधर, अब तक आपको इधर तक देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब भी कर दो गाइस। थैंक यू, सी यू सून।